चूतिए बन जाते हैं कि जब हमें किसी की आदत लग जाती है तब हम क्या करें कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, सर हमारे कटप्पा की हमें आदत लग चुकी है, सर हमें अपनी सुरपंखा की आदत लग चुकी है, सर जितनी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं वो हमारे लिए इतना पॉजिटिव नहीं हो रहा, सर वो हमको कुछ समझ ही नहीं रहा, जैसे हम बैल है बकरी है, उसने हमें बावली चड्डी पहना दी, धोती पहना दी, टुकड़ी टुकड़ी भाग गया, सर हम क्या करें क्या करें। इसी के बेस पे ये वीडियो बनाई है, एंड तक देखना पूरा माइंड खुल जाएगा। 3 पॉइंट बताए हैं, स्टेप बाई स्टेप मैंने डिस्क्राइब करा है, पूरी क्रिएटिविटी तुम समझ जाओगे कि अगर किसी की लत तुम्हें लग चुकी है, आदत लग चुकी है, तो वहां से कैसे निकलोगे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी विजल ऑप्टिव्स नाम से जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो वहाँ शेयर करना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलो अब पॉइंट पे आ जाते हैं। किसी की आदत लग गई है तो हम क्या करें, सर हम तो तड़प रहे हैं, तड़ तड़ तड़, सर हम बावले हो गए, सर हम तो 24 घंटे उसकी यादों में पौवा पी के टक्कर खा रहे हैं, बावले भैंस से बावली बकरी हमें टक्कर मार रही है, ढिचके हूँ पिचके हूँ, सर हम क्या करें। ठीक है सर, हमारी वैल्यू नहीं करी, उसने छोड़ दिया, वो भाग गई, सर वो सुरपंखा थी, उसने कोल कान वान सब काट दिए, ब्रेकअप कर लिया, वो कटप्पा बन के भाग गया, क्या करे क्या करे, बावले हो रहे हो। तो इसी के बेस पे वीडियो बनाई है, ध्यान से सुनो, पॉइंट वाइज नो शो फीलिंग। ठीक है, पहली बात ये, आपने फीलिंग शो कर दी, ठीक है अब आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, अब आप लोगों को शो ऑफ मत करो, उसे भी शो मत करो, तड़पो मत, ना कॉल करो ना मैसेज करो, काका को कॉल कर दिया, बाबा को कॉल कर दिया, भाई को कॉल कर दिया, ताऊ को कॉल कर दिया, धोती पहन ली, बावले बन गए बिना पौए के, ले भाई नीचे गिर गए, सिमरन कहाँ गई तू, ट्रेन में टुकड़ी टुकड़ी मैं आ रहा हूँ भागता हुआ, मैं आ रही हूँ चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ी, क्या है क्या लगा रखा है ये, क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाते हो, क्यों अपनी जिंदगी झंड करते हो, है गधे लाल हो क्या, बिल्कुल जेठा लाल हो क्या, बागा हो क्या, आटे टेढ़े है, टुर पुर कर रहे हो, भाग रहे हो, है ये चीजें करना बंद करो। किसी ने छोड़ दिया तो ठीक है ना, उसका काम था छोड़ना, हमारा काम था प्यार देना, हमने प्यार दिया उसने छोड़ दिया, सर लत लग गई कैसे निकले, तो भाई उसकी पिक डिलीट करो, उसके नंबर डिलीट करो, देखो यादें हैं उनको कोई नहीं मिटा सकता, पहली बात तो ये अपने भेजे में डाल लेना, यादें तो आएंगी, आज आपके मम्मी पापा है, दादा दादी है, या कोई भी हो दुनिया में, सबको जाना है भगवान के घर, अल्लाह के घर, जो आया उसे मरना ही है, ये नहीं कहो कि मुझे जला दो मुझे बूर दो, ऐसे कहने लग गए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो हम अपने घर वालों के बिना रह सकते हैं, तो कल के लोंडे के लोंडी के बिना नहीं रह सकते क्या, रह सकते हो, बट तुमने निकलना ही जरूरी नहीं समझा, उसका नंबर डिलीट करो, पिक डिलीट करो, अपनी सिम चेंज करो, उसकी लाइफ को टोटली हाइड करके निकाल के फेंक दो कि वो मर गया है, हमारी लाइफ से गया, वो भाड़ में जाए, अपनी ऐसी तैसी कराए, सुबह उठो एक्सरसाइज करो जिम करो कोचिंग जाओ दोस्तों को टाइम दो, अपने ड्रीम के लिए सोचो कि यार मैं मेंटली फिजिकली हैं दबा दब घोड़ा घोड़ी बन चुके हैं प्यार में, दिन रात कॉल मैसेज किए, क्या मिला बाबा जी का लुल्ला मिला, हम तो चंपक बन गए ना, अब सोचो कुछ करना है लाइफ में, उठेंगे गाएंगे दौड़ेंगे भागेंगे, माँ बापों को टाइम देंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम आए हैं, कुछ करके दिखाएंगे, जैसे विजय ने नाम करा है वैसे तुम भी नाम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा हार्डवर्क करना है अपनी लाइफ के लिए, सोचो कि यार मैं क्या चंपक बन गई, लग्जरी कार हो लग्जरी घर हो लोग मुझे जाने, ड्रेसिंग सेंस हो पार्टी हो घूमना हो फिरना हो, इस सिटी जाए इस कंट्री जाए, अपने ड्रीम को जगाओ दोबारा जगाओ और लाइफ तुम्हारी ट्रेंड पे आ जाएगी, फिर तुम सोचोगे कि मैं किस गधे के लिए किस गधी के लिए रो रही थी, ऐसी तैसी कराए बाढ़ में गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गो डेस्टनी शो पिक्चर, दिस इज ए नॉट ए गुड बॉयफ्रेंड नॉट ए गुड गर्लफ्रेंड, भगवान ने सब चीजें शो ऑफ कर दी इसीलिए हमारी लाइफ से निकाल दिया, तो जो गया सो जाने दो, प्यार था ठीक है ऐसी तैसी कराए, अब अपनी लाइफ के लिए सोचोगे गर्दन मरोड़ के तोड़ू या कनपट्टी सेकू, अच्छा सोचोगे वेरी गुड। चलो मेरे सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अब तुम्हें अपनी लाइफ को टोटली बिजी बनाना होगा, अब तुम कहोगे कि सर कैसे निकले, देखो खुद से क्वेश्चन करो कि यार मैंने इतना प्यार दिया वहाँ गई वहाँ गया था ये चीज़ें की, उसने मेरे को कॉल मैसेज नहीं करे इसका मतलब प्यार ही नहीं है, मैं उसके लिए अवेलेबल रहता था मैं बिजी था फिर भी उसके लिए टाइम निकालता था निकालती थी बट वो नहीं निकालती थी, उसने मुझे चीट करा, इसका मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारे अभी के 3 साल के रिलेशनशिप खराब हो गए, 5 साल का रिलेशनशिप था 10 साल का था, डज नॉट मैटर, फ्यूचर के तुम्हारे 20 साल 30 साल 40 साल बच गए, ठीक है धोखेबाज से तुम बच गए, 5 साल खराब कर लिए बट फ्यूचर के 40 साल 35 साल
तुमने सेव कर लिए ना तो अपनी लाइफ को बनाओ ना, उठो जागो दौड़ो भागो, जब जागे तभी सवेरा, क्यों है हमें रोना धोना किसके लिए जो अपना है ही नहीं। तो अपनी लाइफ को ट्रेंड पे लाने के लिए सोचो कि अब सक्सेसफुल कैसे हो, जिसके बल पे तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरा टैलेंट था कि मैं लव टिप्स मोटिवेट कर सकता था, गधा गधी चड्डी है क्या, बावली है क्या, धोती है क्या, पजामा है क्या, लोड़ा लसन, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें करके मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली। आज 1.5-2 साल हो गए और यूट्यूब पे 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कहेगा नहीं होगा, तुम्हें करना है, किसी को काम बताओ मत, चुपचाप अपने काम की तरफ भागो। डेफिनेटली 2-3 मंथ में अगर हार्डवर्क करोगे, दिन रात एक कर दोगे, किसी का बाप तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अरे कुछ भी कर सकते हो, क्या होता है काला गोरा छोटा रिच पुअर ये वो फलाना देखना कुछ नहीं होता, बस अगर तुम में टैलेंट है तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। करेगी या नहीं करेगी? अच्छा करेगी, वेरी गुड। तो वीडियो शेयर करोगे नहीं करोगे दोस्तों को? नहीं करोगे, अच्छा करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना और लाइक ठोको। चलो मेरे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अरे यार अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो जीने का कोई मतलब नहीं है, 100 बार बता चुका हूँ। इज्जत है तो लोग हमारे को पूछना जरूरी समझेंगे, अगर इज्जत नहीं है तो यूँ कहेंगे अरे उस गधी को लाना वो पोछा लगा देगी, अरे उस गधे को लाना वो कपड़े धो देगा, अरे उससे काम करवा लो वो गुब्बारे लगा देगा, वो ये कर देगी, वो ये कर देगी, घर पर खाना बना देगी, ये काम कर वो काम कर, हमारी इज्जत वो हो जाएगी। हमें अपनी इज्जत बिल्ड करनी है ताकि जहाँ हम जाए लोग खुर्सियाँ खाली कर दे। आज मैं एक तुम्हें रियलिटी बताता हूँ तुम्हारे भाई की इज्जत क्या है। मेरी टीम भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है जो सॉन्ग वगैरह आते हैं वे प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है, उसमें मिलियन में सॉन्ग वगैरह जाते हैं। मैं अपनी टीम से मिलता हूँ सर भैया ऐसे कह के रिस्पेक्ट मिलती है आगे कि सर आप आओ विजय भैया आप आगे आओ विजय ये करो वो करो, पूछ के काम होते हैं क्योंकि मैंने अपनी इमेज ऐसी बनाई है, क्योंकि मैंने लाखों का परिवार खड़ा करा है, सबको पता है मैं चोर लड़का है, तो अपनी इज्जत ऐसी बनाओ। मैं भीड़ में जाता हूँ सब मेरे साथ आते हैं, विजय भाई के साथ खड़ा होना, विजय भाई के साथ पिक क्लिक करानी है, विजय सर आगे वो आगे, एक इज्जत होती है हाथों में लोग रखते हैं कि विजय भाई को कोई तकलीफ ना हो। तो तुम्हें भी अपनी इज्जत ऐसी ही बनानी है, उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। अगर एक नाम बन गया तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, खुद से प्यार करोगे दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, लोगों से प्यार करोगे लोग तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडा मारेंगे, कुत्ते बनोगे लोग कुत्ता बनाएंगे, गुलाम बनोगे लोग नौकरों की तरह यूज लेंगे, इग्नोर करोगे और अपने आप से प्यार करोगे दुनिया तुम्हें सलाम करेगी तुम्हारे पीछे भागेगी। तो आज से कुत्ता नहीं हीरो बनना, बनोगे नहीं बनोगे? अच्छा बनोगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना विजय लव टिप्स नाम से। सारा कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, तुम्हारा भाई शॉर्ट आउट करने की डेफिनेटली 100% मैसेज के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू तुम्हारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो विजय लव टिप्स सर्च करो, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। 30,000 के आसपास अपने इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, फैमिली है, तो आ जाओ दबा के इंस्टाग्राम पे।